हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। आज बहुत ही खास खबर आप लोग के बीच लेकर आ गए हैं। झारखंड पॉलिटेक्निक का जो एडमिशन होना है उनका काउंसलिंग 15/11/2020 से शुरू होगा, लेकिन अभी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया है आप लोग देखे होंगे, उनके रिगार्डिंग आपको हम जानकारी दे दें कि आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करेंगे, टॉप कॉलेज कौन सा है और काउंसलिंग में कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। साथ ही ये भी जानकारी आप लोगों के पास होना चाहिए कि कौन सी ब्रांच से अच्छा होगा। तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सारी जानकारी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। तो देख लीजिए पहले डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में हम पहले भी इसका जिक्र कर दिए हैं, अभी भी बता देते हैं। मैट्रिक का आप लोग के पास मार्कशीट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, साथ ही आप लोग के पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट या मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरी नंबर में अगर आप झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी हैं तो आपको झारखंड राज्य का अस्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरी नंबर पॉइंट आप लोग देख लीजिए, आप लोग के पास जाति प्रमाण पत्र, जो स्टूडेंट एससी एसटी ओबीसी यानी बीसी वन बीसी टू एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का छूट लेना चाहते हैं झारखंड राज्य के स्थायी निवासी, वो स्टूडेंट अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा के रख ले, अभी भी टाइम है। अब बात करते हैं चौथे नंबर में, तो आय प्रमाण पत्र भी जरूरी है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि झारखंड राज्य के अंचलाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में जारी आय प्रमाण पत्र जरूरी है, यानी कि जाति आवासीय आय और आप लोग के पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट, वो सब होना बहुत ही जरूरी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक चीज़ और बात कर लेते हैं, जो स्टूडेंट विकलांग हैं उसको विकलांगता का प्रमाण पत्र होना जरूरी है, तभी जाके आप लोग को विकलांग का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सारे चीज़ जो है आप लोग को फिजिकली वेरिफिकेशन होगा कॉलेज के एडमिशन टाइम में, तो ये सारी जानकारी आप लोग को रख लें कि डॉक्यूमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट आप लोग समझ गए होंगे कि कौन कौन सा चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट का, जो अभी इंपॉर्टेंट डेट है। इंपॉर्टेंट डेट से पहले भी हम एक जानकारी देंगे, अभी एक प्रोविजनल लिस्ट जारी किया गया है। इस प्रोविजनल लिस्ट में जो स्टूडेंट अपना ऑनलाइन किए हैं वो उसका अपना नाम आया कि नहीं सारा चीज़ देख सकते हैं, आपका मार्क सही सही अपलोड हुआ कि नहीं, आपका नाम सही है कि नहीं, फादर्स नेम मदर्स नेम। यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की गई विवरण यथा प्राप्तांक प्रतिशत कोटा यानी कि कौन सी जाति हैं के आधार पर मेधा सूची तैयार किए जाएंगे। उनके नाम देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया है, उनके नाम, पिता का नाम, प्राप्तांक प्रतिशत कोटि जन्मतिथि इत्यादि दर्ज रहेगी। संबंधित अभिभावक और कैंडिडेट, देखिए संबंधित अभिभावक से आग्रह है कि सभी प्रविष्टि को जांच कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो ले, यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो। देखिए यहाँ पर स्पष्ट है, अभी जो आप लोगों को प्रोविजनल लिस्ट जारी किया गया है इसमें अगर आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत है, जैसे एक स्टूडेंट मुझे कमेंट किया था कि सर मेरा कॉलेज का नाम लिखने में गलती हो गया, तो इसी तरह की सारी जो प्रॉब्लम है, जैसे किसी का नाम लिखने में प्रॉब्लम होगा, मदर्स नेम फादर्स नेम या कुछ भी दिक्कत, तो आप अपना ईमेल के माध्यम से जो वेबसाइट पर ईमेल दे दिया गया है 12/11/2020 से 13 तारीख तक 12 बजे तक अपना बोर्ड के वेबसाइट पर ईमेल के माध्यम से अपनी समस्या वहां पर सेंड कर सकते हैं, आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। इसके बाद 13 तारीख के बाद आपकी कोई भी प्रॉब्लम को नहीं सुनेंगे बोर्ड, ऐसा नोटिस में लिखा गया है। तो आप अपनी समस्या को इस पर ईमेल कर सकते हैं, ये जानकारी बोर्ड की तरफ से आप लोग को मिल गया। अब कुछ बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट की, तो इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं क्योंकि डेट आप लोग को याद होना चाहिए। तो अभी तुरंत बताएं ऑब्जेक्शन वाला जो करना है वो ऑब्जेक्शन आप लोग 11 और 12 तारीख को कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो निकलेगा, जिनका फर्स्ट राउंड में एडमिशन होना है, काउंसलिंग होना है, वो 14/11 को निकलेगा, ठीक है। 14/11 को आप लोग को निकल जाएंगे, थोड़ा बहुत लेट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 14 को डेट है तो 14 को आ जाएंगे। उसके बाद आप देख लीजिए ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे तो ऑनलाइन कैसे करेंगे, जैसे ही ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे तो आप लोग जो ऑनलाइन करने के लिए स्टार्ट कीजिएगा आप अपने कंप्यूटर से, तो आप लोग को सबसे पहले स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हम देखिए एक ऑनलाइन काउंसलिंग करके एक वीडियो बना के दिखाएंगे आप लोग को लाइव करके कि कहाँ पर जाना है, किस सेट पे जाना है, क्या करना है, सारे करके, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम बता देते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे लॉगिन करिएगा तो चॉइस फिलिंग आएगा,
फॉर सीट अलॉटमेंट। चॉइस फिलिंग जो होगा वो 15/11 से, यानी कि आपको कौन सी कॉलेज लेना है, कौन सी ब्रांच लेना है, ये सारी चीज़ आपको 15/11 से होगा, तो आप 15/11 तारीख से कर सकते हैं। उसके बाद मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ चॉइस फिल अप टू 16/11/2020, मॉक सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट होगा वो 19 तारीख होगा। उसके बाद आप लोग को जो अलॉटमेंट लेटर इशू होगा, मतलब आप लोग को जो एक लेटर दिया जाएगा कि आपको यहाँ पर काउंसलिंग करवाए थे, आपको ये कॉलेज अलॉटमेंट हुआ, तो इस टाइप का लेटर जो आप लोग को 22/11 और 24/11 तक कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन कंसर्न इंस्टीट्यूट, 22 तारीख को जैसे आप लोग का लेटर मिल जाएगा उस डेट से लेकर के आप 25 तारीख तक अपना एडमिशन करवाइए, वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिस कॉलेज में अलॉटमेंट होगा। तो आप लोग इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए, अब देख लीजिए हम बताते हैं कि काउंसलिंग में कौन सी कॉलेज चॉइस करना चाहिए, कौन सी ब्रांच चॉइस करना चाहिए। सबसे पहले आपको जो जिस ब्रांच में रुचि है, आपको जिस ब्रांच में रुचि है आप वही ब्रांच डालें, ठीक है। आपको जैसे कि सिविल में मन लग रहा है पढ़ने में तो सिविल डालें, मैकेनिकल डाल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल डाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाल सकते हैं, सीएससी डाल सकते हैं या माइनिंग भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी सोच के अनुसार से चलिएगा, मुझसे राय लीजिएगा तो हम आपको बता दें। अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग से आप लोग डिप्लोमा करते हैं, तो आपको बहुत ही बेहतर ऑप्शन मिलेगा, आपको जॉब लेने में सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर, बहुत ही इसका स्रोत है, सिविल इंजीनियर बेटर हो सकता है। दूसरे नंबर में बात करेंगे तो आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ले सकते हैं, दूसरे नंबर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी बहुत अच्छा है। देखिए सारे ब्रांच अच्छा है, बस आपको रुचि किस में है, पढ़ने में मन किस में लगता है, बाकी तैयारी किस तरह से चल रहा है, इस पर डिपेंड पड़ता है। लेकिन पहले नंबर का बात करेंगे तो सिविल इंजीनियर बेटर होता है, एक नंबर में हम सिविल इंजीनियर को रखेंगे, उसके बाद दो नंबर में इलेक्ट्रिकल का, तीसरा में मैकेनिकल, चौथा में कंप्यूटर साइंस, पाँचवा में माइनिंग। तो आप लोग को रुचि पर डिपेंड है, बट सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, माइनिंग और इलेक्ट्रॉनिक, ये सारे ब्रांचें का जो सीरियल नंबर है वो ऐसा जो हम बोले वो सही रहता है, अच्छा होता है फ्यूचर के लिए। बाकी आपको जो अच्छा लगे वैसा कॉलेज चूज कीजिएगा, आपके अनुसार से अपना ब्रांच चूज कीजिएगा, वो आपके लिए बेटर होगा। फिर से मैं एक बार बोल दूँ, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, माइनिंग, ये सारे ब्रांच आपके लिए अच्छा होगा। सबसे पहला सिविल, दूसरा इलेक्ट्रिकल, तीसरा मैकेनिकल, आपको हम दो तीन बार दोहरा दिए, आप लोग इसमें से जो अच्छा लगे वो ब्रांच चूज कर सकते हैं। अब बात यहाँ आता है कि कौन सी कॉलेज अच्छा होगा, तो कॉलेज का जो हम कुछ एक लिस्ट दिखाते हैं, इसमें से बताएंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज में कौन से गवर्नमेंट कॉलेज आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो हम बता देते हैं कि देखिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज दिया है, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद, तो कुछ का नाम हम आपको ऐसे ही बता देते हैं कि जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद, ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज है तो सारे अच्छे हैं, सारे कॉलेज में सेम पढ़ाई होगा, सेम सिलेबस होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद हो गया, ये आपको अच्छे कॉलेज में काउंटिंग आते हैं जिसका प्लेसमेंट अच्छा होता है। दूसरा आदित्यपुर हो गया, ये आदित्यपुर का भी प्लेसमेंट अच्छा होता है, यहाँ भी ठीक ठाक चलता है सब कुछ, पढ़ाई तो सब कॉलेज में सेम होगा लेकिन कुछ प्लेसमेंट की बातें होता है, तो आदित्यपुर भी प्लेसमेंट अच्छा मिलता है, तो ये हो गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर की बात करेगा तो ये देखिए बाघा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद में बाघा जो होता है, बाघा ये भी तीसरा नंबर में गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस है, ये कॉलेज भी अच्छा है। तो ये सारी हो गया, हम बात कर लेते हैं पहले गवर्नमेंट कॉलेज की। आप लोग काउंसलिंग कराएंगे तो पहले गवर्नमेंट कॉलेज रखेंगे, उसके बाद जिस कॉलेज में एडमिशन लेना होगा वो ले लीजिएगा, लेकिन ब्रांच से अच्छा लीजिएगा, कॉलेज पे कोई डिपेंड नहीं होता है, कॉलेज कहीं से भी पढ़िए वैल्यू सेम रहेगा, ब्रांच अच्छा है उसमें तैयारी कैसा इस पर डिपेंड करता है। ये वीडियो बहुत ही लंबा चला गया, आपको काउंसलिंग कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप हम करके दिखाएंगे, इस तरह की सभी वीडियो सबसे पहले हम आपको देंगे, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सारी ब्रांचेज सेमेस्टर का सिलेबस भी आपको पहले हम दे देंगे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब तक देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।